हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो काफी सारे लोग मेरे से हमेशा एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अगर उनके फोन में काफी अच्छी कोई प्रोटेक्शन दी गई है, अगर उनके फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला 5 या 6 दिया गया है, फिर भी क्या उनको अपने फोन पर टेम्पर्ड ग्लास लगाने की जरूरत है या नहीं। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है कि आप अपने फोन पर टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर आपका फोन इस तरीके से नीचे गिरता है और कोई नुकीली चीज आपके डिस्प्ले पर टच करती है या हिट करती है तो आपका डिस्प्ले डेफिनेटली टूट जाता है। उतने बड़े नुकसान से अच्छा है कि आप 250, 300 या 500 तक का जो भी आपको अच्छा टेम्पर्ड ग्लास मिलता है उसको खरीदें और अपने फोन पर लगा के रखें। ऐसा ही एक टेम्पर्ड ग्लास मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का है और काफी अच्छे से आपके फोन को कवर करता है, चाहे वो 2.5D कर्व ग्लास वाला फोन ही क्यों ना हो। तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो बॉक्स ग्लेज्ड ने मुझे भेजा है, यहाँ पर इसमें दो टेम्पर्ड ग्लास उन्होंने मुझे भेजे हैं। फोन तो अपना हमारा खुद का है ऑब्वियसली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दो टेम्पर्ड ग्लास के पैकेट एक तरह से हैं, बॉक्स आप बोल सकते हैं पता सा। उसके बाद यहाँ पर कुछ वाइप्स हैं जो आपने पहले किसी भी टेम्पर्ड ग्लास के साथ देखी होंगी, तो इसमें से कुछ हम रख देते हैं जिसको हम यूज कर देंगे, बाकी साइड पे रख देते हैं। उसके बाद ये डर्ट रिमूवर है, अगर आपके फोन पर कुछ डर्ट चिपकी हुई है उसको उतारने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, तो इसको शायद हम यूज नहीं करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लिक्विड टाइप कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। अगर जो वेट वाइप है अच्छी तरह से वेट नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, तो बाकी से हम रखते हैं साइड में और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर, मेन बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास, जो कि दिखने में बहुत प्रीमियम फील होता है। आप देखेंगे ऊपर और नीचे ब्लैक पोर्शन है, क्योंकि ब्लैक कलर का ही मेरे पास MI A2 डिवाइस है। अब हम जल्दी से शुरुआत करते हैं इसको लगाने के लिए, टेम्पर्ड ग्लास को लगाते हैं फोन पर। सबसे पहले आपको यहां पर देख सकते हैं ग्रीन कलर वाला जो वाइप है, वेट वाइप जिसको आप बोल सकते हैं, उसको निकालना है। उससे फोन को अच्छे से साफ करना है, ताकि आपके फोन की डर्ट, बेसिकली जो भी प्रोसेस है यहां पर पूरा, वो सारा डर्ट रिमूव करने के लिए है, ताकि आपके फोन पर कोई भी कोई पार्टिकल ऐसा ना बचे जिसकी वजह से टेम्पर्ड ग्लास अच्छे से ना लग पाए। उसके बाद आप ये ड्राई वाइप से इसको पूरा क्लीन कर सकते हैं, ताकि इवन गीला भी फोन ना बचे, बिल्कुल भी वेट भी ना बचे। इसके बाद यहाँ पर ये डस्ट रिमूवर्स हैं, जिसकी मैंने पहले ही बताया था आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं फोन को देख पा रहा हूँ, बिल्कुल साफ ये हो चुका है और कोई भी डर्ट के पार्टिकल्स मुझे नहीं दिख रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके बाद हम उठा देते हैं टेम्पर्ड ग्लास को, जो हमारा मेन हमने लगाना है इसके ऊपर, और पीछे की जो कवर है इसको आपको धीरे से उतारना है और इसके ऊपर फोन के एग्जैक्टली आपको ऊपर फिट करने की ट्राई करनी है। आप ऊपर फिट करने के लिए आप क्या देखना है, आपको जो भी इसके ऊपर सेंसर्स हैं, कैमरा है, लाउडस्पीकर है या नोटिफिकेशन लाइट है, इवन आप ट्राई कीजिए कि आपको कोई नोटिफिकेशन उस टाइम पर आई हो और वहां पर जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ब्लिंक कर रही हो, ताकि आपको आसानी रहे सब पॉइंट्स ढूंढने में और बड़े अच्छे से आप इसको लगा पाएं। अभी के लिए अगर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पूरे पॉइंट्स को मैच करना है। उसके बाद बस थोड़ा सा आपको टेम्पर्ड ग्लास को ऊपर रख देना है और बीच में से शुरू करना है उसको दबाना, ताकि कोई भी एयर बबल उसके ऊपर ना बचे। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर कुछ एयर बबल्स बचते भी हैं, इसको आपको साइड से थोड़ा सा उठा देना है। मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन गार्ड जैसा नहीं होता, स्क्रीन गार्ड में हमेशा कुछ बबल्स बच जाते हैं, ग्लास में कभी भी बबल्स नहीं बचते हैं। आप देख सकते हैं ग्लास में आप पूरा अच्छे से उसको दबा सकते हैं और जो भी एयर बबल्स हैं उनको साइड से निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन ग्लासेस की जो प्राइस है, जिस कंपनी से मैंने ये मंगवाए हैं, वहां पर प्राइस अलग अलग फोन्स के लिए लगभग 300 से 500 के बीच में वेरी करती रहती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और 300 रुपए के लिए, यार अगर आपको 300 साढ़े 300 के लिए ऐसा ग्लास मिल रहा है जो कि एज टू एज है, 2.5D कर्व ग्लास को आपको पूरा अच्छा प्रोटेक्शन कर सकता है, तो मेरे हिसाब से ये ग्लास बिल्कुल रिकमेंडेड है। नीचे मैंने लिंक दिया है इनकी वेबसाइट का, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस किस फोन के लिए अवेलेबल है। आप एक चीज मुझे सब कमेंट्स में जरूर बता के जाएगा कि आप अभी प्रेजेंटली कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, कौन सा गार्ड उस पर आपने लगाया हुआ है। अगर आप टेम्पर्ड ग्लास की बात करें, 20, 50, 100 वाला या 150, 200, 400, 500, कुछ ऐसा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखते हैं लोग कैसी प्रोटेक्शन अपने फोन पर यूज करते हैं।